हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आरआरबी पीओ मेंस आपका कंडक्ट हो गया था कल। अब बच्चों का जो नेक्स्ट सवाल है कि सर क्या कट ऑफ जा सकती है हमारे स्टेट में। तो देखो गाइस, एग्जैक्ट कट ऑफ तो बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्या कट ऑफ होती है हर स्टेट की अलग अलग जाती है गाइस, क्योंकि डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी क्या स्टेट में, उस पर डिपेंड करता है गाइस। अब देखो, लास्ट ईयर का कंपैरिजन मैंने किया, लास्ट ईयर मैंने मेंस दिया था, इस बार देखो मैंने मेंस नहीं दिया है, बट फिर भी जो बच्चों का मेरे स्टूडेंट्स है उनका जो डाटा कलेक्ट किया है, मैंने किसी कारणवश मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, बट जो डाटा कलेक्ट किया है उस हिसाब से मैंने देखा है कि इस बार का जो लेवल आया थोड़ा सा क्या आया, हाई लेवल आया। बच्चों के जो GMA है, जो अटैम्प्ट है, वो गिर गए। कंप्यूटर सेक्शन में भी उनके अटेम्प्ट्स क्या हो गए, कम हो गए, और क्वांट में भी उनके अटेम्प्ट्स कम हो गए गाइस। तो अब बच्चों का जो नेक्स्ट सवाल है कि सर क्या सेफ अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं या कहे गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं, तो जो बच्चा 95, 97, 98, 100 करके आया तो वो गेम में बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बना हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इसका इस बार का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ के आया है गाइस। तो जिन बच्चों के 95 प्लस अटेम्प्ट है, 97, 98, 99 या 100, तो वो उनके चांसेस क्या हाई है गाइस। बस शर्त ये है कि उसने जो अटेम्प्ट किए हैं वो एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है इस बार बच्चों के साथ क्या हो गया, वो उन्होंने क्या करा, रिजल्ट का वेट किया प्री का, उसके बाद उन्होंने तैयारी करी, तो वो बच्चे क्या करेंगे, एक्यूरेसी खराब करेंगे अपनी, क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या करेंगे ज़्यादा किए होंगे। बट जो बच्चा एग्जाम प्री एग्जाम देने के बाद से रेगुलर तैयारी कर रहा था, उसने क्या करे होंगे, सेम अटेम्प्ट्स किए होंगे, 100 भी किए हैं, तो उसमें भी उसने क्या करा, एक्यूरेसी को मेंटेन किया गाइस। क्योंकि आपको पता है कि GA ऐसा आया, उन्होंने क्या करा, जून जुलाई और अगस्त का पूछा, अप्रैल का भी पूछा, तो अब उसमें ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको सवाल पूछ लिया गाइस, नहीं, उसमें क्या करा, उसने एक बढ़िया तरीके से सवाल पूछा, तो बच्चों के 10 अटेम्प्ट 11 अटेम्प्ट 15 अटेम्प्ट, कोई भी ऐसा नहीं है कि 40 में से 32 करके आ रहा है, 35 करके आ रहा है, नहीं ना ही कंप्यूटर में बच्चों के साथ ऐसा हो कि 40 में से 35 कर रहा है, 30 कर रहा है, नहीं, उसमें भी उसके क्या हो गए, अटेम्प्ट कम हो गए। रीजनिंग में उसके बच्चों के सवाल थोड़े से क्या हो गए, ट्रिकी, पजल साइज में टाइम उनको ज़्यादा लग गया, टाइम ज़्यादा लगने से उसके अटेम्प्ट भी क्या हो गए, कम हो गए गाइस। तो जिन बच्चों के अटेम्प्ट 95 से लेके 110 के बीच में है, वो क्या करें, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें इंटरव्यू के लिए गाइस। और जिन बच्चों का आरआरबी क्लर्क का मेंस है 16 तारीख को, उनको भी ध्यान में रखना है कि GA जितना हो सके बढ़िया तरीके से पढ़िए, बाकी सब्जेक्ट को अब छोड़ दीजिए गाइस, क्योंकि जितना आप GK में स्कोर कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट में नहीं कर पाओगे गाइस। जो GK बढ़िया तरीके से पढ़ लो, मैंने अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में PDF डाल रखी है, 1000 क्वेश्चन की सीरीज भी डाल रखी है और अदर PDF भी डाल रखे गाइस, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों का आरआरबी क्लर्क का मेंस है उनको बेस्ट ऑफ लक, अब बढ़िया तरीके से तैयारी करो, उसके बाद अपना एक दो दिन का रेस्ट करना और अदर एग्जाम्स के लिए लग जाना गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।